जिस सिमरत साब किल वेख नास है पितरी हो ए उदारो मामू जी नाल आए हैं। पहला भी गुरुद्वारा साहब जाते होंगे? हाँ जी पहला भी जाते होंगे। इतने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की सी। आज बहुत सोहना सजाया गया है और इतों ही विसाखी का त्यौहार शुरू मनाया जा रहा है। सो हर हर तुम सद ही जापो जा कायं ना पारो। गुरु नानक साहिब जी ने सिख धर्म की जिहड़ी आ आरंभता की थी। ते 230 साल तक सिख धर्म दे विच चरण पौल की मर्यादा चलती रही। निमख न विसरो तुमको हर हर। 1699 की विसाखी वाले दिन 30 मार्च 1699 की विसाखी वाले दिन साहिबे कमाल गुरु गोबिंद राय जी ने एक गर्जवी आवाज़ दे विच केसगढ़ साहिब के टिले के उपर खड़ के संगतां दे भारी इकट्ठ दे विच एक सीस की मंग की है। सतगुर तुम को होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। सिख इतिहास के स्रोतों अनुसार 80,000 के इकट्ठ के 20,000 सिखा ने केसगढ़ साहिब के मुकाम पर पहली बार 30 मार्च 1699 की विसाखी वाले दिन अमृत छक के गुरु के जहाजे चले। कापड़ पत परमेश्वर राखी पोजन कीर्तन नीत। श्री अनंदपुर साहिब को पावन पवित्र धरती है। इतने कलगीधर पातशाह ने उस अकाल पुरख के हुक्म नाल जिवें कि सतगुरां ने अपने पावन रसना तो आप उच्चारण किया परमेश्वर राखी पोजन कीर्तन नीत। इस कार्य वास्ते दशमेश पिता इस मात लोक ते आए सन। उस कार्य नूं सच्चे पातशाह ने 1699 की विसाखी वाले दिन तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे आके किया है और सच्चे पातशाह ने सिख नूं संपूर्णता इस दिन बख्शिश की है। सिख नूं विकसित किया सच्चे पातशाह ने। सानू सिंघ अते कौर दी पाधी बख्शिश की है। सानू खालसा पाध बख्शिश किया है। तुमको हर हर सदा भजो जगदीस। ता उस पावन त्यौहार नूं हर साल समुच्चा पंथ खालसा साजन दिवस के नाम नाल मना के ते बहुत चढ़दी कला विच मनाउंदा है। खुशी अपने प्रगट करदा है। अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता। विसाखी मौके जिथे इतिहासिक नगरी श्री अनंदपुर साहिब विखे संगतां दीआं रौनकां लगियां होईआं हैं उत्थे ही असीं इस समय खड़े हाँ तखत श्री केसगढ़ साहिब श्री अनंदपुर साहिब विखे जिथे खालसा पंथ सजाया गया सी। जिक्रयोग है कि दसम पातशाही साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंज प्यारिआं नूं पहलां अमृत दी दात छका के सिंह साजे सन जिन्हां तों बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर आप अमृत बाटे दी पहुल छकी है। ये तस्वीर तखत श्री केसगढ़ साहब दी है। तुसी रात समय दी वेख रहे हो जिथे सुंदर लाइटिंग दा जो दृश्य है सुंदर लाइटिंग करके LED लाइट्स दे नाल इमारत नूं सजाया गया है। इस दे नाल ही इत्थे जो फुल्लां दी सजावट की गई है वह विदेश तो फुल लेके आए हुए ने ते कुछ आर्टिफिशियल फुल भी ने ते कुछ फ्रैश फुल भी ने। जो फ्रैश फुल है वह विदेश तो थाईलैंड तो भी लेके आए हैं। तो जेकर गल की जाती है इमारत नूं सजावट दी ते जो रंग बिरंगी जो लाइटां ने वह किते ना किते इमारत दी खिच दा केंद्र बनदियां ने। जेकर आकाश दे विच देखे जावे तो यह जो मनमोहक लाइटां चमचमांदियां जो लाइटां है वह बहुत वक्रे वक्रे रंग दिखाउंदियां ने जिस दे नाल बिल्डिंग जो वाइट कलर की बिल्डिंग है उससे जो हरी लाइट पैंदी है तो वह हरे कलर का बन जाता है। तो केसरी रंग रैड कलर तो होर कई प्रकार के जो रंग है वह इमारत आते हैं। इस दे नाल ही संगत की आमद लगातार वधदी जा रही है।
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਸਟੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ? ਇਹ ਫੁੱਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਈਦਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਿਕਸ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਵਿੱਚੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਇਲਾਕਾ ਮਾਲਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਕੱਤਰ। ਹੋਲੇ ਜੀ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਵੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਛਬੀਲ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਜੀ ਪੂਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪੱਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ 10 ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ 20-22 ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 230 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਪਦ ਅਤੇ ਕੌਰ ਪਦ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਮਾਝਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1705 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ
एक विसाखी के मौके पर वड्डा अमृत संचार किया। जे असी विसाखी की गल करते हैं तो सिख इतिहास के गुरु नानक साहिब जी जेड़े आ वह विसाखी वाले दिन ही उदासियां ते चलते आ ते हरिद्वार की धरती ते पंडतां दे नाल जेड़ा संवाद गुरु नानक साहिब जी रचाउंदे आ वह सूरज नूं पाणी दे रहे आ ते गुरु साहिब जी ने पछम वाले पासे नूं पाणी दिता। उस दिन भी विसाखी का दिहाड़ा सी ते गया दे अस्थान ते पटना साहिब दे नेड़े अस्थान उत्थे भी गुरु नानक साहिब का संवाद पंडियां दे नाल विसाखी वाले दिन हुंदा। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो आप जी मेरे तो बैकसाइड स्थान देख रहे हो तख्त श्री केसगढ़ साहिब, अज आप उस आनंदपुर साहब की धरती पर खड़े हाँ जिथे श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने इस धरती नू राजा दीपचंद की विधवा राणी चंपा के पासों मुल खरीदया। सतगुरों ने मुल खरीद के इसका नाम चक माता नानकी रखिया। उपरंत यह श्री आनंदपुर साहब के नाम प्रसिद्ध होया। संगत जी जदों श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दिल्ली के चांदनी चौंक विखे तिलक जंजू की खातर अपने सीस का बलिदान दिता, उपरंत सतगुरु जी ने भाई जैता जी ने अपनी गलवक्कड़ी में लिया जो आनंदपुर साहब सीस लेके पहुँचे और कह दिता रंगरेटा गुरु का बेटा। और सतगुरों ने उत्थे वचन किए भाई जैत्या जदों गुरु पिता की शहीदी हुई उदों किन्ने को सिंह सन। भाई जैता जी ने आख्या सतगुरु जी सिंह तो बड़े सी पर पहचान किसी की नहीं आ रही सी, कुछ डरते सन सतगुरु जी तो मैनू पता नहीं लग्या किन्ने को सिंह सन। सतगुरु ने वचन किया सिंह भाई जैत्या असी ऐसा सिंह साजांगे कि जिहड़ा लखां चो खड़ा अपने आप नूं छुपा नहीं सकेगा। सतगुरु जी ने उस वचन नूं पूरा इस पावन पवित्र धरती ते कीता। संगत जी 30 मार्च 1699 की विसाखी नूं मुख रखदे होया सतगुरु जी ने इस पावन स्थान तो दूर दूर तक हुक्मनामा साहिब भेज के इस पवित्र स्थान ते संगतां दा भारी इकट्ठ किया। बड़ी दूरों दूरों संगतां चल के आईयां अमृत वेले इस पावन पहाड़ी ते इस पहाड़ी ते एक सोहना शमियाना तंबू लग्या जो बहुत बेशुमार कीमती सतगुरु जी ने अमृत वेले सोहने दीवान सजे। आसा जी दीवार दे भोग तो उपरंत सतगुरु जी हाथ विच नंगी लिशकदी श्री साहब लेके दीवान विच हाजिर होए। एक सिर दी मंग कीती तां भाई दया राम जी ने अपना सीस सतगुरां नूं भेटा किया। दूसरी बार भाई धर्मचंद जी ने भाई हिम्मत राय जी ने भाई मोहकम चंद जी ने भाई साहिब चंद जी ने सतगुरों ने अपने सीस भेटा किए। सतगुरों ने उन्होंने मुड़ सुरजीत किया। खंडे बाटे का अमृत तैयार करके पंजा नूं छकाया ते नाम दे नाल सिंह पद लाया। प्यारे भाई दया सिंह, प्यारे भाई धर्म सिंह, प्यारे भाई हिम्मत सिंह, प्यारे भाई मोहकम सिंह, प्यारे भाई साहिब सिंह। ते फिर सतगुरु जी ने उन्हां पासों आप भी अमृत छकिया। गुरु गोबिंद राय तो गुरु सिंह गुरु गोबिंद सिंह बने। वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। सतगुरु जी ने इस पावन पवित्र स्थान पर खालसा पंथ प्रगट किया। उस खुशी नूं मुख रखदिया होया हर साल समुचा खालसा पंथ संसार भर तो आके इस पावन पवित्र स्थान पर यह अपना खालसे का प्रकाश दिहाड़ा मनाउंदा। और इस संबंध में तख्त श्री केसगढ़ साहिब के समुचे प्रबंध वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समूह संगतां के सहयोग के नाल अज श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होए हैं। और कल 13 तरीक तो ठीक 9 बजे तो सतगुरु जी के पावन स्थान ते तख्त साहब के बाहर मूहरे पंडाल के अंदर सोहने दीवान सजनगे जिथे सचखंड श्री दरबार साहिब जी के रागी जथे तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी के हजूरी रागी जथे हाजरियां भरनगे। उत्थे पंथ के प्रसिद्ध विद्वान कथावाचक भी संगतां नूं विशेष तौर पर गुर इतिहास तो जाणू करवाणगे। ढाडी दरबार होवेगा और दिने कवि दरबार होवेगा और बेअंत संगतां जो पवित्र स्थानां ते हर साल सालाना हाजरी भरदियां हन इस बार भी सतगुरु की कृपा सदका चढ़दी कला नाल संगतां हाजरी भरनगियां। उत्थे ही साडे मैनेजर
भाई गुरदीप सिंह जी कंग भाई हरदेव सिंह जी इन्हां वल्लों आने वाली संगतों वास्ते विशेष तौर पर रिहायश का प्रबंध किया गया है। साढ़े अति सत्कार जो सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर भाई अमरजीत सिंह जी चावला उन्हां वल्लों विशेष तौर पर दीवाना विच हाजरियां भरिया जाणगियां और उत्थे सतगुरु की कृपा सदका पंज प्यारे साहिबान अमृत खंडे बट का अमृत तैयार करके छकाउणगे। जिथे 14 तरीक वाले दिन ठीक सवेरे 4 बजे तख्त साहब की दूसरी मंजिल से खंडे बट का अमृत छकाया जाएगा 4 तो 8, 8 तो 12, 12 तो 4। अगर संगत ज़्यादा है फिर 4 तो 8 बजे तक भी अमृत की दात संगतों को प्राप्त होगी। उत्थे ही कल 13 तरीक वाले दिन ठीक 12 बजे तो लैके 3 बजे तक अमृत संचार होगा। सरबत संगतों को बेनती है कि सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया, अमृत पीवो सदा चिर जीवो दे महाबाका अनुसार। आओ संगत जी खंडे बट का अमृत छक के आप गुरु वाले बन के इस अपने जीवन में सफला करिए। इस चैनलों के राही आप सब संगतों को दास वल्लों पंज प्यारे साहबाना वल्लों समुचे प्रबंध वल्लों विसाखी खालसा साजना दिवस दियाँ बहुत बहुत वधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चक नानकी की स्थापना गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गुरु के महल के स्थान पर बोड़ी कढ के की। सिख इतिहास में जो असी गौ के नाल पढ़ते हैं तो अजोके समय के 3-4 पिंडां दे समूह आनंदपुर साहब कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने माता नानकी जी के नाम के उपर चक नानकी नगर की मोड़ी कढ़ी सी। 25 साल बाद कहूर की जंग तो बाद गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने किला आनंदगढ़ साहब के स्थान तो लैके जिहड़ा केसगढ़ साहब जी का मौजूदा स्थान है ये जमीन मुल खरीद के इस शहर का नाम आनंदपुर साहब रखिया। अपनी जिंदगी दे उन्होंने 29 साल आनंदपुर साहब की उस धरती में भाग लेंदे रहे जिथे उन्होंने जीवन का सब तो वध समा आनंदपुर साहब की धरती से भी बतीत होया। उत्थे ही आनंदपुर साहब के उन्होंने 3 छोटे साहबजादे साहबजादा जुझार सिंह जी साहबजादा जोरावर सिंह जी तो साहबजादा फतेह सिंह जी का जन्म होंगे। वड्डे साहबजादे का जन्म पौंटा साहब की धरती से भंगाणी की जंग तो बाद होंदा है। तो आनंदपुर साहब के सतगुरु साहब जी ने जिते रणजीत नगारा मड़िया तो पहाड़ियों के नाल जंगा भी इस स्थान पर होंदिया ने। गुरु साहब जी ने आनंदपुर साहब के 4 दिवाले के 5 किलों की उसारी की है। पहला किला है आनंदगढ़ साहब, दूजा लोहगढ़ साहब, तीजा होलगढ़ साहब, चौथा फतेहगढ़ साहब, तो 5वां तारागढ़ साहब। जिस स्थान पर मौजूदा तख्त श्री केसगढ़ साहब की इमारत है सतगुरु साहब जी के समय यह एक पहाड़ी सी। सतगुरु साहब जी ने इस स्थान के उपर ही दीवान सजाया सी। 80,000 के इकट्ठ के 20,000 की गिणती के सिख संगत ने उस वेले अमृत छकिया सी। ते जे असी अजोके समय के देखते हैं तो हरेक सिख के मन के एक चाहत बनी रही है कि आनंदपुर साहब की धरती से जाके नतमस्तक होना है। तो विसाखी के पावन अवसर के उपर भी बेअंत संगत आनंदपुर साहब के आ के इकट्ठिया होंगे। भले आनंदपुर साहब के जोड़ मेले के रूप के असी होले महल्ले वड्डे पद्धर से मनाते हैं। कीरतपुर साहब तो आनंदपुर साहब की धरती से होला महला मनाया जाता। उस ही तरह विसाखी के पर्व पर भी आनंदपुर साहब तो कीरतपुर साहब बहुतांत गिणती के सिख संगत आदि हैं। जे असी विसाखी के पिछोकड़ उपर झात मारते हैं तो गुरु नानक साहब जी महाराज अपनी उदासियां पहली उदासी के वेले हरिद्वार की धरती से जाके पंडियां दे नाल वार्तालाप करते। पहला उस दिन भी विसाखी का दिन सी। कुछ
हिंदुस्तान की संस्कृति अनुसार सनातनी लोग सूरज नूं पानी दे रहे सन ते गुरु नानक साहब जी ने भी अपने ढंग दे नाल लहिंदे वाले पासे नूं पानी सिटना शुरू किया। तो उत्थे खड़े खड़े लोगों ने गुरु नानक साहब जी नूं पुछिया ते गुरु साहब जी ने उन्होंने नाल संवाद रचाया कि जे तुहाडा पानी हजारां मील ते सूरज तक पहुँच सकता है तो साडा अपनी किराए भोए की तलवंडी विच बीजी खेती नूं क्यों नहीं पहुँच सकता। फिर जे अगे चल के असी देखते हाँ तो गया दे स्थान पर गुरु नानक साहब जी महाराज जाते हैं तो गया दे स्थान के उपर भी सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा वार्तालाप स्थानक पंडियां दे नाल हुंदा उस दिन भी विसाखी का दिन सी। जे इतिहास के विच असी देखते हाँ तो गुरु अमरदास साहब जी ने बौली साहब की कार सेवा विसाखी वाले दिन शुरू की। फिर अगे चल के विसाखी का पुरब गोंदवाल साहब की धरती से गुरु अमरदास साहब जी के समय मना शुरू होया। गुरु अर्जन साहब जी की शहादत तो पिछों मालवे की धरती से डोली भाईकी दे विच गुरु हरगोबिंद साहब जी ने पहली बार सिख संगतां नूं विसाखी के पुरब से इकट्ठिया किया है। अगे चल के जे असी इतिहास के अंदर देखते हैं तो 30 मार्च 1699 की विसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज आनंदपुर साहब की धरती से चरण पौल की मर्यादा खंडे की पौल में तब्दील करते हैं। तो सन 1705 ईस्वी के साबो की तलवंडी के भी सतगुरु साहब जी के समय एक वड्डा अमृत संचार किया गया सी। जे असी अगे भी अपने इतिहास में देखते हैं तो 13 अप्रैल 1919 की विसाखी वाले दिन जलियांवाले बाग का खूनी साका वापरदा है। अगे चल के जे असी 47 की वंड तो बाद जाके इतिहास के पन्नों के उपर झात मारते हैं तो 1978 की विसाखी वाले दिन 13 सिंह की शहादत होंगी है जिहड़े मंजी साहब के स्थान तो कीर्तन करदे उठ के जाते हैं। एक पासे निरंकारी अपना जलूस कढ रहा सी ते उस घटना में जे असी देखते हैं इतिहास के जिहड़ा विसाखी का इतिहास है सिखां दे विच इह परंपरागत त्यौहार है विसाखी ते दिवाली। दिवाली ते विसाखी नूं पुरातन समय तो सरबत का खालसे सद्दण की रीत भी रही है। जिहड़ियां सिख मिसलां सी 18वीं सदी दे विच उह जदों भी कितें इकट्ठियां हो के बैठदियां सी ते श्री अकाल तख्त साहिब ते आनंदपुर साहिब वड्डे इकट्ठां ते उह पहुँचदे सी ते जिहड़ा सिख पंथ सी उह पंथक मसले मिल बैठ के इन्हां त्यौहारां ते विचारदा सी। अजोके समय के साडे कोल कैलेंडर ते होर बहुत सारे साधन है साडे कोल उस समय च भले साडे कोल इन्ने साधन नहीं पर सिखां दे अंदर जिहड़ी सी स्पिरिट सी उह अपने गुर अस्थान ते जा के नतमस्तक हो के गुरु की जिहड़ी कीर्ति की आ कीर्तन कथा के रूप में पंथक गुरमतियां के रूप के करते सी। अज जदों असी अजोके समय की विसाखी के त्यौहार देखते हैं किते ना किते साडी नौजवान पीढ़ी के अंदर प्यार सत्कार श्रद्धा तो है वह गुरु घर आ रहा है पर किते ना असी थोड़ा जिहा गुरु सिद्धांत नूं तलांजली दे के पासे नूं जांदे जा रहे हैं कि वड्डियां वड्डियां आवाज़ां जां होर पर किते ना किते जे देखा जाए अंदर श्रद्धा भी है प्यार भी है पर कई बार साढ़े को जिस तरह जाने अणजाने दे विच कोई घटना होंदी है ना। पर जे मैं एक प्रचारक होने के नाते बहुत गुरसिखां दे नाल मैं गुरसिखी शब्द वरतांगा भी जिहड़े नौजवान गुरु घरों गुरु दरबार चाहे मैं उन्होंने जदों सेवा करदिया देखदा होर सेवावां निभाउंदिया देखदा जे उन्होंने दे नाल मिल के गल करिए तो बहुत प्यार दे नाल उह साडी गल सुणन नूं मन्नण नूं भी तैयार आ बहुत सिखां नूं पुछीदा है तो कहिंदे बाबा जी असीं आए मैनू एक गल याद आ होले महल्ले के त्यौहार से मैं तुरया जा रहा सी ते एक नौजवान ने अपने हाथ दे विच एक बजाउण वाला कुछ फड़िया सी ते उसनूं फूक मारदा सी बड़ा उपर उपर जिहा जा रहा सी। मैं उत्ते सदा सुरती जा रहा मैं उस नाल कोई गल नहीं कीती उहदे केवल मोढे दे उपर हाथ रख्या ते उहने मेरे पाए उपरों दी कृपान नूं देख के उह कहिंदा बाबा जी मैं इस तरह का फतेहगढ़ साहब जा के नहीं करांगा पर उहदा ये शब्द सुन के मेरा अंदर अंदर तक हिल गया भले उस जिहड़ा नौजवान सी उह क्लीन शेव सी किते ना किते उहने स्कूल चों जां अपने समाज चों जां अपने घरों उहने सिक्खी बारे सुनिया हैगा ते उहनू ये पता सी कि साहिबजादियां दी शहादत जिहड़ी है फतेहगढ़ साहब मनाई जांदी आ उत्थे जा के मैं नहीं करना इत्थे मैं मेला वें पर मैं उहनू सवाल नहीं कीता। पर कई वारी जे आपां हरेक तरह के
समाज के बहुत तरह के लोग आ पर जिन्हें सिख संगत आप देखते हैं हरेक के मन च अज साधन बदल गए साढ़े आने जाने के पर पुराने समय से ही आनंदपुर साहब आने वाले के जोड़े से लोग पैरी हाथ लाते सत्कार करते पैरी हाथ लाने नालों मुक्तिदाता नहीं बन गया जे असी अपने पिता दे माता दे चाचे दे ताए दे मामे दे संसारक रिश्तेदारी च अपने सत्कार योग दे गोडियां थलों पर बहुत लोग जिहड़े सी अज साडे कोल साधन ने असी आ रहे हैं पर मैं देखिया दुआबे ते माझे दी जिहड़ी सिख संगत है ना उन्हां दी दिली इच्छा आनंदपुर साहब दे दर्शन वाली हुंदी अज भी जदों आनंदपुर साहब आईआं मैं संगतां नूं देखदा ते हरेक दे मन दे विच प्यार सत्कार श्रद्धा जिस तरह तुसी भी आके अपने चैनल के माध्यम राही तुसी संगतां तक मैसेज पहुँचाने लिए यतनशील हो तुहाडी भी यह सेवा किसी ने आके लंगर लाया कोई जोड़ियां का लंगर ला रहा कोई किस तरह की सेवा कर रहा जिस तरह की सतगुरु साहब जी पर हरेक के मन जे किते ना किते है कि असी उस आनंदां की पुरी के जाना जिथे अपने जिंदगी का सब तो वध समा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपनी जिंदगी का जिहड़ा वध समा आनंदपुर साहब की धरती से बतीत किया है ते हरेक सिख दे मन विच चाहत है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। श्री आनंदपुर साहब की इतिहासिक ते पवित्र धरती जिथे तखत श्री केसगढ़ साहिब सुशोभित है दसम पातशाही साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिंह ते कोर का दर्जा जो दिता है उसी मर्यादा के तहत अज तखत श्री केसगढ़ साहिब विखे विसाखी के त्यौहार मौके अखंड पाठ साहब की आरंभता हो चुकी है। साढ़े नाल गलबात करन लई तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह जी ने सानू समा दिता। सिंह साहब पहले तो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद तुसी सानू समा दिता ते वाहिगुरु दी शान पाली दी है फतेह जी। सिंह साहब अज तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे आरंभ किया गया अखंड पाठ साहब ते आने वाले दिनों दे विच की समागम होणगे। ठाठ पैओ मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चलै तब जगत मैं जब तुम करो सहाय। तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब वह पावन पवित्र धरती है जिथे कलगीधर पातशाह ने उस अकाल पुरख के हुक्म नाल जिवें कि सतगुरां ने अपने पावन रसना तो आप उच्चारण किया या ही काज तरा हम जन्म मंग समझ लहो साधु सब मन मंग धर्म चलामन संतो वारन दुष्ट सबन को मूल उपारन। जिस कार्य वास्ते दशमेश पिता इस मात लोक ते आए सन उस कार्य नूं सच्चे पातशाह ने 1699 की विसाखी वाले दिन तख्त श्री केसगढ़ साहब जी विखे आके किया और सच्चे पातशाह ने सिख नूं संपूर्णता इस दिन बख्शिश की है सिख नूं विकसित किया। सच्चे पातशाह ने सानू सिंघ अते कौर दी उपाधि बख्शिश की है सानू खालसा पात बख्शिश किया साढ़े विचों उच्चे नीवे दे जातां पातां दे भिन्न भेद कलगीधर पातशाह ने खत्म करके सानू सारयां नूं एक जात बख्शिश की और वह जात है खालसा और सानू अपने पुत्र धीआं होण दा माण कलगीधर पातशाह ने बख्शिश किया। उस पावन त्यौहार नूं हर साल समुचा पंथ खालसा साजन दिवस के नाम नाल मना के ते बहुत चढ़दी कला विच मनाउंदा है खुशी अपने प्रगट करदा है। इस तरह यह जो खालसा साजना दिवस है 14 अप्रैल नूं तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी ते बहुत श्रद्धा ते भावना दे नाल मनाया जाणा है जिस संबंध में अज तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे सतगुरां दे सन्मुख अरदास करके श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभता हो चुकी है। 13 तरीक नूं सवेर तो गुरमत समागमों की आरंभता भी हो जाणी है जो 14 तरीक देर रात तक समागम चलणगे और इन समागमों में पंथ के प्रसिद्ध कीर्तनी जथे और मानयोग सिंह साहिबान विद्वान हाजरी भर के संगतां नूं गुरु जस सरवण करवा के ते निहाल करनगे। 13 तरीक 14 तरीक 15 तरीक नूं तख्त साहिब विखे मानयोग 5 प्यारे साहिबान अमृत का बाटा भी तैयार करनगे और जो अमृत बलाकी संगतां जो बहुत वड्डी गिणती विच पहुँचण की संभावना है हर साल संगत पहुँचती है और संगत नूं अमृत पान भी करवाउणगे। जिवें जिवें संगत अभिलाषी आउणगे उवें उवें ही 5 प्यारे साहिबान उहनां नूं खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके ते अमृत भी छकाउणगे। बहुत वड्डी गिणती विच संगत ते सानूं तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे पहुँचण की संभावना है। जी साहब इमारत नूं बहुत सुंदर ढंग नाल लाइटिंग की गई है ते रंग बिरंगे टेंट लगा के ते होर डेकोरेशन सजावटी फुल्लां नाल भी ते फ्रैश फुल्लां दी भी डेकोरेशन की गई है। ये समान या फुल विदेशों तो आए ने
ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ SDPC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਜਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ SDPC ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਜਾਂ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਗੀ ਵੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁੜਦੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ
वह भी अपनी एक जिम्मेवारी समझन, जिहड़े इलाकों के कौंसलर ने वह भी एक जिम्मेवारी समझ के, क्योंकि बच्चे साढ़े सब के बच्चे ने और साढ़ा सब का फर्ज बनता है कि असी अपने बच्चों इस गल को समझाइए, सुचेत करिए कि ये जिहड़े स्थान ने जिवें तख्त श्री केसगढ़ साहब है, सचखंड हरिमंदर साहब है, जां दमदम साहब तलवंडी साबो है, जां होर सारे स्थान ने, ये एक साडे धार्मिक आस्था का केंद्र ने, साडे धार्मिक स्थान ने, साडे गुरु के स्थान ने, सानू इन्हां स्थानां ते हुलड़बाजी करदिआं होइआं उड़दंग करदिआं होइआं नहीं आउणा चाहीदा, क्योंकि बड़ियां कीमती जानां जिहड़ियां ने उचलियां जांदियां, किते कोई एक्सीडेंट हो जांदा, किसे किते कोई टिप्पर थल्ले आ जांदा, जां किते कोई खड़क डिग पैंदा, ऐसियां घटनावां जिहड़ियां ने अक्सर वापरदियां ने, सानू बहुत सुचेत होना चाहीदा, सानू गुरेज करना चाहीदा कि असी बड़े शांतमई ढंग दे नाल इन्हां स्थानां ते दर्शन दीदारे करन वास्ते आईए। पिछले समय भी होले महल्ले दे दौरान हुल्लड़बाजां दे नाल समझाउण तों बाद एक नौजवान सी उहदा कतल कर दिता गया। मैं कहिंदा कि बेशक उह तां इक मां इक पुत सी मापिआं दा, उह चलिआ गिआ, पर उह इक घर बर्बाद नहीं होइआ, कई घर होर बर्बाद होए आ कि जिन्हां ने उहदा कतल कीता उहनां ते परचे होणगे, उहनां नूं जेलां होणगियां, उहनां दे माँ बाप रुल जाणगे, उहनां दे बच्चे परिवार जिहड़ा उह रुल जाएगा। इदां जिवें इक कहावत है कि लम्हो ने खता की सदियों ने सज़ा पाई, एक लम्हा गलती करदा पर उहदी सज़ा जिहड़ी है सानूं सदियां भुगतनी पैंदी है, सानूं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहीदा। बड़ा प्यार सत्कार निम्रता सहज सलीका सद्भावना इतफाक ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਔਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਨਫ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਗਤ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਮਾਵੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੰਗਤ ਸਮੂਥ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਇਹ ਆਸ ਪਾਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਔਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਪਦ ਸੀ ਉਹ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ
तख्त साहब से अमृत संचार किस किस दिन होगा। संगत के मन में एक भावना होंगी है कि जिस थान पर गुरु साहब ने अमृत तैयार किया है, पहली बार अमृत का बाटा तैयार किया है और उस थान पर जाके उस दिन ऐसी अमृत छकी है कि साढ़े जीवन की एक सदीवी याद बन जाएगी कि गुरु घर दे साडा जिहड़ा जन्म है विसाखी वाले दिन होया, खालसा साजना दिवस वाले दिन होया। तो संगत के मन में यह भावना होंगी है कि असी उत्थे जाके अमृत छकी और हर साल वड्डी गिणती संगत इस दिन पर पहुँचती है, अमृत पान करती है और इस बार भी सानू बड़ी उम्मीद है कि वड्डी गिणती संगत पहुँचेगी और तख्त साहब से खालसा साजना दिवस वाले दिन अमृत छाके तो गुरु घर अपनी जिहड़ी उन्हां दी एंट्री है, गुरु घर जन्म जिहड़ा है वह सिख संगत जिहड़ी है वह जरूर लए, क्योंकि सतगुर के जन्म है गमन मिटाया। गुरु घर जन्म लैके पिछले जिहड़े जन्म मरण जात गोत सब खत्म हो जाते हैं, फिर असी सारे गुरु के पुत्र धियां बन के एक गुरु के पुत्र धियां होने नाते आपस में भैन भरा बन के जिहड़ा है साडा एक परिवार बन जाते, क्योंकि साडे गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने पिता साढ़े सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने खालसे की माता माता साहब कौर है वासी खालसा आनंदपुर साहब का जन्म श्री केसगढ़ साहब है तो खालसे के नानके गुरु के लाहौर ने, इस करके साढ़े माता पिता जेडे ने धर्म के माता पिता साढ़े एक ने साडा गुरु एक है और संगत जी है इस दिन से ज़्यादा प्रैफरेंस देती है कि असी उत्थे जाके उस ही दिन अमृत छकी और सानू बड़ी उम्मीद है कि इस बार भी वड्डी गिणती संगत पहुँचेगी और अमृत छके गुरु वाली बनेगी। सो विसाखी के मौके पर जो अमृत संचार करने वाले अमृत अभिलाषी ने उन्होंने 13, 14 ते 15 अप्रैल में अमृत छकाया जाएगा। वैसे तो तखत श्री केसगढ़ साहिब के प्रबंध वालों हफ्ते दे विच दो बार अमृत संचार करवाया जाता है, पर इस विसाखी के मौके पर 3 दिन लगातार 4 दिन भी लगातार अमृत संचार करवाया जाएगा। कैमरामैन जतिन कुमार के नाल चवेश लटावा, श्री आनंदपुर साहब।